हरियाणा में साल 2005 से पहले बिजली सबसे बड़ा मुद्दा होता था, क्योंकि उस समय प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत होती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने पानीपत में एक थर्मल पावर प्लांट लगवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्लांट लोगों को राहत देने में नाकाफी था। लेकिन साल 2005 के बाद से प्रदेश में मानो बिजली का मुद्दा ही खत्म सा हो गया, क्योंकि बिजली के क्षेत्र में बड़ी ही तेजी से काम हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर, खेदर, झाडली, खानपुर खुर्द में 4 नए पावर प्लांट लगवाए। साथ ही भारत अमेरिका परमाणु ऊर्जा समझौते के तहत फतेहाबाद के गोरखपुर में परमाणु बिजली संयंत्र मंजूर करवाए। कांग्रेस सरकार में हरियाणा में बिजली मंत्रालय की ओर से करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जनता को समर्पित हुई। इसके बाद से हरियाणा बिजली सरप्लस प्रदेश बनता चला गया, लेकिन मौजूदा खट्टर सरकार नए पावर प्लांट तो लगाना दूर, पहले से लगे पावर प्लांटों को भी सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। राजीव गांधी खेदर पावर प्लांट में 600 यूनिट बिजली उत्पादन की जाती है। इस पावर प्लांट में 2 यूनिट हैं। सितंबर 2020 में एक टरबाइन में खराबी के कारण 1 यूनिट बंद कर दी गई। इसी प्रकार से 8 अप्रैल को खेदर प्लांट की बॉयलर ट्यूब में दिक्कत आ गई, जिस कारण सप्लाई बाधित हो गई। झज्जर के झाडली स्थित MGTPL में 2 यूनिट है। एक यूनिट में 22 फरवरी 2022 को दिक्कत आ गई, लेकिन उसे भी अभी तक नहीं ठीक करवाया गया। पानीपत थर्मल प्लांट में 8 यूनिट में से 1 से 5 नंबर यूनिट कई सालों से बंद है। 7 अप्रैल को 6वीं यूनिट भी बंद हो गई। इस समय प्रदेश में 7,23 मेगावाट बिजली की मांग है। प्रदेश में इस समय मात्र 1,100 मेगावाट बिजली ही पैदा हो रही है, जबकि इधर उधर से प्रदेश सरकार 6,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश 1,600 मेगावाट बिजली की किल्लत झेल रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि खट्टर सरकार इस बिजली संकट से लोगों को कब तक निजात दिला पाती है। हल्ला बोल हरियाणा।